एक सेकेंड, क्या कर रहा है तू ये? मैडम वो, ओह तो मेरे लैपटॉप में वीडियो चल रही है, मुझे समझाओगे क्या हो रहा है? मैडम वो खान सर जी का यूपीएससी वाला क्लास चल रहा है ना, बस उसी को रिकॉर्ड कर रहा था। तो अपने फोन में देखते ना वीडियो, मेरे लैपटॉप में क्यों देख रहे हो? वो क्या है कि मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है, मेरे मोबाइल में डाटा नहीं है, यहाँ ऑफिस का वाईफाई है और लैपटॉप पे और बहुत अच्छा क्वालिटी में वीडियो आता है, तो बस उसी को रिकॉर्ड कर रहा था ताकि घर जाके खान सर का क्लास देखता। ओह तो तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तुम्हें यूपीएससी का मतलब भी पता है? हाँ मैडम मैं जानता हूँ यूपीएससी क्या होता है। वो क्या है कि शादी से पहले मैं यूपीएससी की तैयारी ही कर रहा था, लेकिन बाबूजी मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा दिए। अब शादी करवाने के बाद परिवार बच्चा बढ़ गया, जिम्मेदारी बढ़ गई, तो पढ़ाई मेरा बीच में ही छूट गया था। अब बच्चे लोग बड़े हो गए हैं तो सोचा कि एक ट्राई कर लेता हूँ यूपीएससी में, कौन ठीक भगवान की कृपा हो जाए निकल जाए तो ज़िंदगी बदल जाएगी। देख मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तूने गलती की है। मैं जब ऑफिस में नहीं थी तो तूने मेरा लैपटॉप छेड़ा है, और अब मुझे तुझ पर कोई भरोसा रहा नहीं। कल को मैं ना रहूं तो तू मेरी गाड़ी छेड़े, और कल को तू मेरी तिजोरी पे भी तो हाथ मार सकता है ना, इसलिए तुझे इसकी सजा मिलेगी, मैं तुझे नौकरी से निकाल लूंगी। मैडम ऐसा मत करो, देखो मेरी इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो। देखो आज के बाद मैडम मैं आपके केबिन में भी नहीं आऊँगा और आपके किसी सामान को हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन मुझे नौकरी से मत निकालो मैडम जी। अरे नहीं गोपाल, तुझे नौकरी तो छोड़नी पड़ेगी। मैडम ऐसा मत करो, मैं कहीं का नहीं रहूँगा। अब नौकरी तो तुझे छोड़नी पड़ेगी ना, तुझे यूपीएससी की तैयारी जो करनी है। क्या यूपीएससी की? लेकिन मैडम यूपीएससी की तैयारी में तो लाखों का खर्चा लगता है, अब नौकरी ही नहीं रहेगी तो मैं यूपीएससी की तैयारी कैसे करूँगा? हाँ हाँ जितना भी पैसा लगेगा तुझे तैयारी करवाने में वो सब मैं लगवाऊंगी। क्या आप देंगी मैडम? टेंशन मत ले, जब तू आईएएस बन जाएगा ना तो सारे के सारे पैसे मुझे सूद समेत वापस कर देना। लेकिन आप क्यों करेंगे मैडम? मैं तेरे लिए इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तू बहुत मेहनती है, तेरे पास कुछ भी नहीं है फिर भी तू फोन में वीडियो रिकॉर्ड करके यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। और सोच अगर तू आईएएस बन गया तो तू देश के लिए कितना करेगा, इसलिए मैं तेरी हेल्प करना चाहती हूँ। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, अब तुम ज्यादा मत सोचो, बस यूपीएससी की तैयारी करो। ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद।